पहले बधाई देता हूँ एनएसयूआई के इन छात्रों को जिन्होंने अपनी छात्र शक्ति का उजागर भोपाल से करा और जेएनयू के छात्रों के समर्थन में ये सड़कों पर आए। आज बहुत अफसोसनाक बात है कि देश में एक छात्र आंदोलन को दबाने के लिए इतनी ज़्यादा हिटलरशाही हो गई कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर छात्र संघ अध्यक्ष को मारा जाता है। ये मेरा खुला आरोप है। जिस तरह से कल एबीवीपी के लड़कों ने कपड़े बांध कर उत्तेजना फैलाई है उसकी हम निंदा करते हैं और चाहते हैं कि तत्काल इन पर कार्रवाई होना चाहिए। शुरू दिन से केंद्र सरकार यही काम कर रही है। ये छात्रों को रोज़गार दे नहीं सकती, ये कहीं पे भी कोई काम कर नहीं पा रहा, लगातार नाकार हो चुके हैं हर तरह से नकारात्मक। जब इनका काम हो चुका तो ये केवल काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कराना, दंगे फसाद फैलाना इनका काम बन गया है। हर जगह इन्होंने इशू दबा दिए। अभी पेट्रोल में वृद्धि कर दी, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये ऐसे ही काम करते हैं और इस तरह से डंडे के दम पर छात्र शक्ति को दबाना चाहते हैं। तो इनको ये याद रखना चाहिए कि देश की आज़ादी का आंदोलन भी छात्र शक्ति नहीं करा था। मैं तो चाहूँगा स्टूडेंट को आह्वान करूँगा कि स्टूडेंट इसके खिलाफ डटकर जमकर संघर्ष करें, गांधीवादी तरीके से रोडों पर निकलें और अपने हाथ में अम्बेडकर जी और गांधी जी की मूर्तियां लें और रोड पर निकल कर इनको एहसास दिलाएं कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम तुमसे दबने वाले नहीं हैं। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।